मुस्लिम हमलावरों की जोर जबरदस्ती और ऐसी ही दूसरी मजबूरियों के कारण अपने धर्म से दूर गए लोग अब तेजी से हिंदू धर्म में वापस लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 दिन में ही इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करने का दूसरा मामला सामने आया है। इस बार मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आंबा गांव में 18 मुसलमान इस्लाम को त्याग कर हिंदू धर्म में दीक्षित हुए हैं। गुरुवार को गांव के भीमनाथ मंदिर में महाशिवपुराण की पूर्णाहुति के अवसर पर संत स्वामी आनंद गिरी महाराज के सानिध्य में सभी ने गोबर और गौमूत्र से स्नान कर जनेऊ धारण किया। घर वापसी करने वाले इन लोगों का कहना है कि उनके मन में लंबे समय से अपने मूल धर्म में लौटने की इच्छा थी, लेकिन हमारा धर्म जो था वो हिंदू था, लेकिन एक शाह के नाम से क्या है, जो हम फकीर में थे तो मांग खा के और ऐसा पेट का गुजारा करते थे, हमको ये पता नहीं था कि आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा। फिर हमारा धर्म निकाले तो हम हिंदू धर्म थे, तो हम हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में हम आना चाहते थे, इसलिए हम हिंदू बन गए। घर वापसी करने वाले परिवार के मुखिया मोहम्मद शाह अब राम सिंह हो गए हैं। इन्हीं की तरह उनके परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को भी नए नाम मिले हैं। सभी को विधि विधान से हिंदू धर्म की दीक्षा दिलाई गई। चलते सूत्रग्रहण में उन लोगों का भावना जगा और वो लोग कहने लगे कि हम बहुत सताए जा रहे हैं, हमारी पीढ़ियां परेशान हैं, हम पूर्व से जिस धर्म में रहे उस धर्म को धारण करना चाहते हैं। घर वापसी के बेहद भावुक क्षणों में इन परिवारों ने कहा कि 3 पीढ़ी पहले तक तो हम हिंदू ही थे। इन सबसे पहले शपथ पत्र देकर स्वप्रेरणा से हिंदू धर्म में आने की बात कही। इसके बाद वे स्वामी जी के पास पहुंचे। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2015 में इसी गांव में धर्मशाला के निर्माण के लिए की गई खुदाई में देवी देवताओं की प्राचीन प्रतिमाएं भी मिली थीं।